बरसात का मौसम है और इस मौसम में आंधी तूफान के कारण कई तरह के घटनाओं का जो संभावना है वो बढ़ जाता है। फिलहाल मैं इस वक्त राजधानी रांची के देश वाली मोहल्ले में हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर स्थानीय विधायक समरी लाल के द्वारा जो है वो सड़क का निर्माण कर लिया गया है, लेकिन दर्जन भर से ज्यादा ऐसे घर है जहां पर बिजली की जो सप्लाई है वो बिना पोल के की गई है। यानी कि हर दिन इस मोहल्ले के जो लोग हैं वो खतरों का सामना करते हैं और किसी तरह से इस सड़क को पार कर पाते हैं। कई बार छोटे बच्चे, खासकर जो जानवर, गाय जो आती है इस सड़कों पर, उसे कई बार जो है वो करंट के झटके लगते हैं। आप देखिए कि इस मोहल्ले में दर्जन भर से ज्यादा घर है लेकिन पोल नहीं हो पाने के कारण बिजली की जो तार है वो ऐसे ही सप्लाई की गई है और तार इतना नीचे है कि कभी भी किसी व्यक्ति के गले में फंस सकता है। कई बार घटनाएं हुई हैं लेकिन अब तक कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। आप देखिए कि कितना नजदीक ये तार है और ठीक बगल में इसके एक घर है। लोगों को क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा इस तस्वीर को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल मोहल्ले वासियों ने जो है वो कई बार जूनियर इंजीनियर को, बिजली विभाग को इस पूरे मामले की जानकारी दी लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। दीदी, ठीक बगल में आपका घर है और इतना नीचे तार लटका हुआ है, इसमें बिजली का करंट दौड़ रहा है, कैसे पार कर जाते हैं आप लोग? ऐसे हम लोग झुक झुक कर जाते हैं, दरवाजा गेट खोलते हैं तब भी एकदम नीचे झूला रहता है, उसमें हम लोग को सट जाने का डर रहता है। अगर इसमें से अगर हम लोग सट जाए तो हो सकता है करंट लग जाए और हमको जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। तो बिजली बिल आप लोग देते हैं ना? जी सर। तो फिर आखिर इसका जिम्मेवारी किसका है? ये तो सरकार के है ना, हम लोग को थोड़े है। बहुत बार 3 साल से हम मतलब कि लेटर दे रहे हैं, मेरा बच्चा दौड़ दौड़ के जा रहा है लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। कहते हैं पोले नहीं है, मतलब कि जे आज गिरेंगे कल गिरेंगे, यही मतलब कि 3 साल से चल रहा है। हम लोग 3 साल से परेशान हो गए लेटर देते देते। बिल्कुल, आप देखिए कि बिजली बिल के लिए जो मीटर है वो बिजली विभाग के द्वारा लगा दिया गया है सिर्फ बिजली का बिल लेने के लिए, लेकिन जो व्यवस्थाएं, जो सुविधाएं देनी चाहिए वो शायद बिजली विभाग के द्वारा नहीं दिया जा रहा। इस तार में कई ऐसे जगह हैं जहां पर कटिंग है, यानी कि जो खुला तार है, और कई बार आपने बताया कि जानवर भी फंस जाते हैं, छोटे बच्चे स्कूल से आते जाते हैं, कितना मन में डर बना रहता है? बहुत डर बना रहता है, यहाँ तक कि आने पे कई बार लगा कि गाले में फंस करके जो है साइकिल से हम लोग गिर जाएंगे। एक दिन एक गाय आ रही थी, उसको करंट मारा तो झंझना गई, लेकिन उस समय बिजली कट गया। बहुत सबको यहाँ पे परेशानी हो रही है। हम लोग 3 बार जो है मतलब जाके लेटर भी दिए हैं, जाके बोलते भी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। बिल्कुल, इस बांस के सहारे कितने घर का बिजली गया हुआ है? 15 कम से कम 15 से 20 का है। और ऐसा लगता है ना कि जब हम लोग मोटरसाइकिल से जाते हैं तो लगता है कभी भी गिर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जाते हैं तो कभी कभी तार जो साधारणतः ऊपर आते हैं लेकिन कभी देखते हैं अचानक नीचे गिरा हुआ रहता है, तो ऐसा लगता है कि ऐसा होना कि फंस करके गिर जाए और कहीं करंट भी लग जाए, इसलिए बहुत डर लगा रहा था खास करके रात को। तो बिजली विभाग क्या इंतजार कर रहा है कि कोई घटना घटेगा उसके बाद कुछ करेंगे? हमको तो यही लग रहा है, क्या कि आवेदन भी दिया हुआ है, ठीक है ना, फिर भी है कि वो हमारे भाई है जा रहे हैं ना, वो बार बार जाते हैं जाके बोलते हैं, हम ही लोग भेजते हैं कि जाओ जाके बोल के, हम लोग डिप्टी थाना वाले आदमी है तो सब फुर्सत नहीं है हम लोग को, तो लोग को भेजते हैं तो बोलते हैं कि आज तो कल हो जाएगा, आज नहीं हो जाएगा कल हो जाएगा परसों हो जाएगा, इससे 3 साल से दिया हुआ है ऐसे। बिल्कुल, बताइए कि राजधानी रांची के बीचों बीच पौस इलाका है ये, देशवाली कॉलोनी है ना? अब क्या ही कर सकते हैं, हमेशा तो बोला गया है लेकिन आज तक तो कोई सुनवाई हुआ नहीं। अब तो आप देख ही रहे हैं, अब क्या ही करें, कितना इंतजार करें बोलिए, या फिर कोई मर जाएगा किसी दिन तब शायद फिर आएंगे जांच करेंगे उसके बाद फिर लगाएंगे और एक आश्वासन देंगे कि हमारे गलती से मर गए, यही होगा ना आखिरी में, और क्या होना है। बिल्कुल, आप देखिए कि जितने भी बिजली के तार घरों तक पहुंचे हैं सभी तार जो है वो नीचे हैं, और वैसे में गाड़ी मोटर जब आता होगा तब तो और ज्यादा दिक्कत होता है। गाड़ी मोटर आता है सड़क में? ये तो श्योर है सर, आ नहीं है, ये मेरे नहीं कि मेरे दरवाजा पर है तो मेरे लिए है, ये सबके लिए है, सबको आना जाना, जो इस घर में है गली में है सबको परेशानी होगी सर। ये नहीं कि मेरे दरवाजा पर तो मेरा दरवाजा पर तार गिरे तो ऐसा हो, ये तो सबके दरवाजा पर है। बिल्कुल, छोटा बच्चा लोग है, लोग को तो बाहर आप लोग सड़क पे खेलने नहीं देते होंगे? नहीं नहीं, डर से हम लोग नहीं भेजते हैं बाहर, तो आना जाना करती है इसी में ही तो डर लगता है, तो खेलने क्या भेजे बोलिए।
अब खाली ये तार ऊपर हो जाए, पोल लग जाए, बस इसी का इंतजार है और क्या। ये अभी बरसात का मौसम चल रहा है, आंधी तूफान चल रहा है, बांस के सहारे तार टिकेगा? नहीं टिकेगा। कितना डर रहता है दीदी मन में? बिल्कुल, आप समझिए कि मासूम छोटे बच्चे हैं और बिजली का जो यह खुला नग्न तार है, इससे हर दिन खतरे का सामना जो है वो स्थानीय लोगों को करना पड़ता है। किसी तरह से लोग जो है वो इस सड़क से पार कर पाते हैं और हर दिन यहाँ के स्थानीय लोगों के मन में डर बना रहता है कि किसी दिन कोई बड़ा हादसा नहीं हो, लेकिन बिजली विभाग अभी भी नींद में सोया है। स्थानीय लोगों के द्वारा बार बार झकझोरने के बावजूद भी बिजली विभाग के अधिकारियों की नींद नहीं खुल रही है। अपने सहयोगी उमेश लाल के साथ मैं सत्यव्रत किरण, 99 न्यूज, रांची।